अच्छा करते थे वो तो अच्छा नहीं लगता हमारा करना। पहले तो कम बच्चे हुआ करते थे तो ऑफिस में बुलाते ही वही केक में काट लेते थे। 18th बैच में भी मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले कि मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या रोहित सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इनके दिमाग पे आ सकती है, इनके दिमाग पे आ सकती है ये बात, लेकिन सारे बच्चों के दिमाग में नहीं आ सकती। इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर एक ही नज़रिए से देख रही है किसी टीम को, इसका मतलब हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप सभी लोग जानते हो या जैसे आप चीख रहे हो चिल्ला रहे हो कि टीचर आ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अंदर क्या फीलिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी भविष्य में कुछ ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि लोग आपके लिए भी ऐसे चीखें चिल्लाएं और बहुत रेस्पेक्ट आपके लिए आए जब भी वो फ्लोर पर है। आप ही बनो ऐसे कुछ अच्छे टीचर बनो। मैं सर ने अभी 18वें बैच में एक बात बोली थी कि ये जो टीम है ये हमेशा परमानेंट नहीं होती, हम चाहते हैं कि आप में से कुछ नए चेहरे आ जाए और अगले टीचर्स डे पे उनके लिए स्टूडेंट चिल्ला रहे हों आज से एक साल बाद। तो अब देखना ये कि आपके बैचेस में से कितने लोग आते हैं और अपनी लाइफ से कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचर।